afternoon class. We are studying chapter 3 polynomials. अभी तक हमने क्या सीखा था? How to find zeros and verify zeros relationship and division of polynomials. Today we are going to learn in the following polynomials. Their zeros are given. Find all other zeros. Quadratic equation के 2 zeros होते हैं. ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर 4 है, तो कितने जीरोस होंगे? 4. टू जीरोस आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड टू रिमेनिंग जीरोस. ओके, फर्स्ट जीरोस क्या दे रखा है? x इक्वल टू रूट 2. ओके, सेकंड x इक्वल टू माइनस रूट 2. इस रूट 2 को इक्वल के इस साइड लेके आए, x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0. इसको इधर लेके आए, x plus root 2 equal to 0. This one equation 1 and this one equation 2. x minus root 2 equal to 0. ये equation 1 है. x plus root 2 equal to 0. It's equation 2. Equation 1 multiply by equation 2. x minus root 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो. यहां पर आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए माइनस बी, ए प्लस बी. आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, ओके. नाउ यहां पर आइडेंटिटी कैसे यूज होगी? एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो. एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, इक्वेशन थर्ड. जो इक्वेशन थर्ड मिली है, ये एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, एफ एक्स का. देन एफ एक्स डिवाइडेड बाय इक्वेशन थ्री. एफ एक्स फंक्शन डिवाइड बाय इक्वेशन थ्री. एफ एक्स क्या है? 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. डिवाइड किसका देना है? इक्वेशन 3 का. एक्स स्क्वायर माइनस 2. एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय विच नंबर टू गेट 2x पावर 4? 2x स्क्वायर. यहां आएगा 2x पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर. साइन चेंज, माइनस प्लस. ये एज इट इज नीचे आएगा माइनस 3x क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. नाउ x स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय विच नंबर टू गेट माइनस 3x क्यूब? माइनस 3x माइनस 3x क्यूब. माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस. साइन चेंज, फर्स्ट पार्ट कट होगा, ये पार्ट भी कट होगा. बचा क्या? x स्क्वायर माइनस 2. नाउ x स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय विच नंबर टू गेट x स्क्वायर? इट्स 1. x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 माइनस प्लस. चेंज, जीरो आ गया. एक्स स्क्वायर माइनस 2 का फंक्शन में जब हमने डिवाइड किया, तब हमें यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी हैव टू डू मिडिल टर्म स्प्लिट. जो इसका मिडिल टर्म है उसका स्प्लिट करना पड़ेगा. माइनस 3x को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करो कि मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस का 2 आए एंड प्लस माइनस करने पे माइनस का 3x आना चाहिए. देन 2x स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे माइनस 2x माइनस x प्लस 1. माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 3x आएगा एंड 2 वनजा 2. इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x. देन x माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन आएगा x माइनस 1. अब ये दोनों पार्ट सेम है, x माइनस 1 कॉमन.
यहां से बचा 2x, यहां से बचा माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब एक बार x माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड वंस 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहां से x की वैल्यू आएगी 1, यहां से आएगी 1/2। तो पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 4। तो इसके जीरोस कितने होंगे? 4। 2 जीरोस आर गिवन एंड हमने भी कितने फाइंड किए? 2। तो इसके रिमेनिंग जीरोस होंगे x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू हाफ। इट्स ओके, नाउ इट्स पार्ट 2। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2। पार्ट 2, फंक्शन क्या है इसमें? इसमें आपका फंक्शन रहेगा एक्स पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x, एंड जीरोस गिवन हैं 2 प्लस माइनस √3। fx, x पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 130x, टू जीरोस आर गिवन इन दिस फॉर्म 2 प्लस माइनस, इट मींस एक प्लस में है एंड सेकंड माइनस में, दीज बोथ आर वैल्यू ऑफ जीरोस, जीरोस मींस वैल्यू ऑफ x, देन x इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड सेकेंड इक्वल टू x इक्वल टू 2 माइनस √3। अगेन इन दोनों पार्ट को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, माइनस 2 माइनस √3 इक्वल टू 0, इसको इधर लेके आए प्लस √3 इक्वल टू 0। नाउ ऑब्जर्व दीज बोथ इक्वेशंस, अगर आप इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो मल्टीप्लाई करने पर, है ना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एक्स माइनस 2 माइनस √3, इक्वेशन 2 दिस वन। अब ऑब्जर्व करो ध्यान से, ऑब्जर्व करने में हमें क्या मिलेगा, इसको a कंसीडर किया, x माइनस 2 कंसीडर एज a एंड इसको b, then a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा। तो आइडेंटिटी यूज करने पे वी गॉट a a स्क्वायर b b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, इक्वेशन 3। अब अगेन हम क्या करेंगे, इक्वेशन fx जो पॉलीनोमियल क्वेश्चन में गिवन है उसके अंदर डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 का, x पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² 138x डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, x स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय विच नंबर टू गेट x पावर 4, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर x की पावर 4 माइनस 4x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस